स्थित मधरा गांव में शासकीय स्कूल में एक शिक्षक होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। महज एक शिक्षक है, कई बार मांग करने के बाद भी अतिरिक्त शिक्षक पदस्थ नहीं किया जा रहा, तो अब अधिकांश परिजनों ने बच्चों के नाम ही स्कूल से कटवाना शुरू कर दिए हैं और वो बच्चों को दूसरे स्कूल में भर्ती कराने की तैयारी में है। ऐसे में 15 अभिभावकों ने सामूहिक तौर पर बच्चों के दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी को टीसी कटवाने की अर्जी दी है। हालांकि आवेदन देखने के बाद बीईओ ने जल्द ही शिक्षकों की कमी को दूर करने का अभिभावकों को आश्वासन दिया और अभिभावकों ने भी 2 दिन में शिक्षक नहीं मिलने पर स्कूल में तालाबंदी और कक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी दी है। अब देखना होगा कि स्थिति कब तक सुधरती है। लोग जगह जगह आवेदन दिए लेकिन आज तक उसकी कोई अमल नहीं हुआ। यदि जनता का दबाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं से वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्था कर देते हैं और शासन की मंशा अनुरूप उनको पुनः मूल पद स्थापना पर वापस कर देते हैं। इस समय खाली है, इसलिए हमारे यहाँ की जनता जो है ना एक्टिव होकर के टीसी कटवाने के नाम पे आज आवेदन दिया। अब 1-2 दिन के भीतर जो है हम उस विद्यालय में पेन से भी बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर शिक्षक वहाँ पहुँच जाएगा तो सभी लोगों का मानसिकता ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश गुप्ता संवाददाता। शैलेश, यहाँ पर एक वन मैन आर्मी की तरह ये शिक्षक पूरे स्कूल को अकेले ही संभाल रहा है, कब से ये आलम है, कब से ये एक ही शिक्षक ही बच्चों की क्लास ले रहे हैं और ये आलम कब से चल रहा है और क्या कुछ आश्वासन दिया गया बीओ के द्वारा? जी, मैं बता दीजिए, शासकीय माध्यमिक शाला मधला का मामला है जहां पर पूर्व से ही शिक्षक की कमी है। लगभग 2 सालों से ग्रामीण लगातार शिक्षक की मांग करते रहे हैं। ठीक है। एकल शिक्षक होने की वजह से सरकार की मंशा अनुरूप पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ग्रामीणों ने लगातार इसके लिए मतलब प्रशासन शासन से मांग किया है। लगभग 2 साल पूर्व पहले जब ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी किया था तो वहां पर मूल शिक्षकों को अटैच कर दिया गया था। शासन की मंशा अनुरूप शिक्षकों को जब वापस ले लिया जाता है तो फिर से वह स्कूल एकल शिक्षक हो जाता है, जिससे वहां पर के बच्चों का भविष्य अंधकार में देखते हुए अभिभावकों ने फिर से एक बार शासन प्रशासन से मांग की है शिक्षक की। तो ये शैलेश, अगर देखा जाए तो ये एक ही शिक्षक हिंदी, गणित, विज्ञान, इंग्लिश सब कुछ खुद ही अकेले ही पढ़ा रहा था। जी, एकल शिक्षक होने के कारण ये सिर्फ स्कूल व्यवस्था ही देख पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई तो असंभव सी बात है। जिसको देखते हुए ही परिजनों ने प्रशासन से शासन से फिर से मांग की है और अगर उन्हें जल्द शिक्षक नहीं मिलता है तो फिर से वो तालाबंदी और स्कूल का बहिष्कार करने के लिए कह चुके हैं। चलिए, ये शासकीय स्कूल तालाबंदी कर करके ही चलेंगे ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश। बालाघाट जिले के बैहर थाना क्षेत्र के